बोलता होता है कौन गारंटी दे देगा 3 महीने के सामान की, हमें क्या पता है कहाँ से लेके आप तोड़ के। ये इतनी लेडीज खड़ी है, पूछना इनसे, आप पूछो ना इनसे, किसी की कान में 3 महीने की टूट जाएगी क्या? हमें क्या पता कहाँ से तोड़ के लिया है। लेडीज होने का फायदा उठा रहे हैं यहाँ, पागल है और हम पागल बैठे। तुम लोग कर रहे हो, लेडीज होने का फायदा उठा रहे हो यहाँ पे। देखो सामान दिया हुआ है, देना दुल्हे टैसे थी बस गरीब आए चल गए। ओ छोड़ पर मैं खड़ा हूँ, मैं रोज से पैसे नहीं देता, नहीं देते। अरे चार और बुला ले चार, मर्जी बुला दो, मर्जी बुला ले। किसी तरह मानव सदर जनता पता लग जाएगा चौधरी की बात रहेगी भी सारी दुनिया देख लग रही। अगर ये बात करोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24। इस समय सराफा बाजार में है और एक ज्वेलर की शॉप में है, जहां पर एक जो है विवाद सा खड़ा हो गया है, क्योंकि यहां पर एक जो बता दें कि एक युवती है जो कि यहां पर पहुंची और उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले उन्होंने यहां से बालियां खरीदी थी। उन्होंने हमें कॉल किया लेकिन कोशिश कर रहे थे मामला सुलट जाए, लेकिन जब मामला सुलटता नजर नहीं आया तो फिलहाल जो है हमें हमने बात भी करने का प्रयास किया लेकिन यहां पर विवाद ही खड़ा हो गया है। क्या नाम है आपका, कहां रहते हैं? मेरा सिमरन नाम है सर, मैं शिव कॉलोनी में रहती हूं और हमने 11वें मंथ में इनसे बालियां ली थी गोल्ड की। तो जब हमने फर्स्ट टाइम निकाली है तो निकाल के हम इनको वापस करने के लिए आए, ठीक है, वो टूट गया है तो हम इनको वापस करने के लिए आए। तो आगे से ये बोल रहे हैं कि तुमने पैर के नीचे आके तोड़ दी, वो साथ वाले अंकल बोले, तो बोले कोई बोल रहा है ट्रक के नीचे आके तोड़ दी। हमने बोला इसको एक्सचेंज करके दे दो, या वो बोले कि काट कटेगी इसकी, ठीक है, हम 6,000 का घाटा हम ही क्यों खाएं। 3 मंथ में गोल्ड की बालियां से कैसे टूट गई। रुपए की ली थी आपने बालियां? नहीं, ये 5700 की ली थी सर। अच्छा जी, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है, टूटी है ये? सर मैंने डाल ली हुई थी, डाल के निकाली है, चलो एक टूट गई मानते हैं, वो दूसरी भी टूट गई, तो गोल्ड की चीज इतनी जल्दी कैसे टूट सकती है? तो हम इनके पास उतारते वक्त टूट गई जी, उतारते वक्त टूट गई है, तो इसका मतलब हम क्यों घाटा खाए। ये बोल रहे कि तुम 6,000 की, हमने 5700 की ली है, तो ये बोले है कि हम इसकी काट काट के लेंगे, तो ऐसे तो नहीं होता ना सर, जो जायज है वो दो। बोल रहे बाजार में पूरे में पता कर लो। आपने अब क्या बोला है कि आप उनके बदले में नहीं चाहते हैं या पैसे वापस लेने नहीं है? सर हमने नहीं लेनी नहीं है, जब पहली ही बेकार चीज निकली हम दोबारा क्यों लें, हमें अपने वापस पैसे चाहिए, जो हमारा जितने के लिए थे हमें उतने ही चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं अंजी सर, ये आई हैं आपकी शॉप पे, तो आप ही फिलहाल जिस तरीके से विवाद तो आपका खड़ा हुआ, तो क्या मतलब फिलहाल दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ पे बात अटक रही है क्या? दिक्कत हमारी कोई नहीं है, ये लगभग 3 महीने पहले ये लेके गए थे यहाँ से, और ये 3 महीने यहाँ से डलवा के गए थे, और इन्होंने जो है ये बालियाँ निकालने अब जो है 3 महीने बाद इन्होंने अपने घर पर निकाली या कहाँ निकाली हमें नहीं पता, इन्होंने वो बालियाँ निकाली है, निकालते टाइम वो टूट गई, क्योंकि छोटे हल्के वजन की हैं और वो दोनों टूट गई, ये पहले एक टूट गई, निकालते टाइम फिर दूसरी टूट गई, जैसा ये बता रहे हैं इन्होंने बताया हमें नहीं पता। इन्होंने कहा जी ये बालियाँ टूट गई आपकी, और आपकी बालियाँ ठीक नहीं है। हमने कहा कि हमारा गोल्ड की गारंटी है, अगर ये कहीं गिर के टूट जाती है, निकालते टाइम टूट जाती है, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये हमने इनको कहा है। इनका कहना अब ये है कि हमें तो पूरे पैसे दो या बदल के वो दो। मैंने कहा भी ये जो इसका टंका है, जो इसकी लेबर है, वो काटने के बाद हम ये काट के आपको दूसरी दे सकते हैं, ये पैसे आपको इनकी लेबर के और इसकी जो है पॉलिश के देने पड़ेंगे।
तो जैसे वो बोल रही हैं कि मैंने तो सिर्फ उतारी थी, उतारते समय टूट गई हैं। हमें तो पता नहीं ना इस बात का, 3 महीने हो गए इनको यहाँ से लेके, हमें नहीं पता। निकालने का भी फर्क है, थोड़ा आराम से निकाले का, इसमें लॉक सिस्टम होता है और लॉक में से अब इनको, हमें तो समझ अभी कितना दबाव पड़ा है इनको, इस बात का नहीं पता होगी ना अपनी तरफ से ऐसे निकाली हो, टूट गई, चलो भैया टूट गई दूसरी निकालती हूँ, वो दूसरी निकाली होगी वो भी टूट गई, ये दोनों बालियाँ टूटी हैं जो लेके आए, और हमें इस बात का तो पता नहीं, जैसे भी टूटी है तो ये बता रहे हैं। फिर भी हम जैसे फिलहाल विवाद खड़ा हुआ है, लेकिन इस चीज को सुलटाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर हैं वो आपके, क्योंकि आपके कस्टमर हैं तो आपको भी तो कुछ सेटिस्फेक्शन उनकी करनी पड़ेगी। हम कस्टमर हैं, हम इनको ओबलाइज करना अभी भी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इसकी लेबर है और जो इसकी बनवाई है और इसकी जो पॉलिश वगैरह है, वो जो खर्चा आएगा वो आपसे हम काट के और दूसरी बाली हम आपको दे देंगे। हमारा तो ये, हमने इनको कहा, ये कहते हमने पूरा एक पैसा नहीं कटवाना, हमने तो पूरी लेनी है, ये है हमारा विवाद और कुछ नहीं। तो आपको बता दें कि ये इन्होंने यहाँ से लगभग बता रहे हैं कि नवंबर के महीने में खरीदी थी और इसकी ये दो पार्ट जो हैं वो टूट गए हैं, जो कि कस्टमर कह रहे हैं कि वो खुद ब खुद उतारते समय टूटे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है उसके बाद ये टूटे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मामला जो है वो निपटता नज़र नहीं आ रहा। ये तो बोल रहे हैं कि ये तो अभी फिलहाल उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको इसमें कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा तब आपको ये देंगे। सर ऐसे नहीं होता, सारा घाटा हम ही क्यों खाएं, हम सारा घाटा क्यों खाएं, थोड़ा इनको भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बोली कि थोड़ा आप कर लो थोड़ा हम कर लें, बोले नहीं आप जिसको बुलाना चाहते बुला लो। हम एक घंटे से बैठे थे, मैंने जॉब भी जाना है वापसी, मैंने इनको बोला जल्दी से जल्दी जो सोल्यूशन है निकाल लो, बोले हम नहीं यहाँ पड़ी है, हम तो जो कार्ड कटेगी हम तो वही देंगे, इन्होंने ये बोला। फिर मैंने आपको कॉल किया, तो उनके बाद भी मैंने आपको कहा कि हाँ हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं ये कि हाँ हमें शायद दे देंगे, बट ये नहीं माने, बोले जिनको बुलाने बुला लो, मतलब कि कोई इज्जत नहीं है, कोई डर नहीं है भी हाँ हमारी बेइज्जती होगी, नहीं सीधा बोल रहे हैं कि हाँ बुला लो, मतलब ये गलत है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। हम मैं ये चाह रही हूँ, चलो ठीक है अब ये मान रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि हाँ आधा हम आप करो आधा हम करते हैं, तो ये करो, हम सारा घाटा हम नहीं सहन करेंगे। तो अगर ये आधा आधा जो नुकसान उसमें कह रहे हैं कि उसमें लेबर चार्जेस लगेंगे या जो भी है, तो वो आप आधा करने को तैयार? अब देखो क्या करते हैं, बिल्कुल 4,400 तो देने के लिए रेडी है ये, हमने तो वो भी नहीं लिए अभी। वो आप कह रहे हैं कि इसके 4,400 रुपए आपको मिलेंगे जी, ये ऐसे बोल रहे हैं, तो पहले भी दे रहे थे, बात क्या हो, ये तो इतने तो पहले भी दे रहे थे, ये ऐसे थोड़ा ना होता, इन्होंने तो कोई नुकसान नहीं खाया, नुकसान तो सारा हमें भरना पड़ रहा है ना, लेते वक्त भी हमने भरा देते वक्त भी हम भरेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है, थोड़ा कस्टमर की देखनी चाहिए, थोड़ा आप खा लें थोड़ा हमें का। जी। तो ये सोच रहे हैं कि हम तो 1 रुपए का भी घाटा नहीं करेंगे, आधा आधा नुकसान हो जाए तो उसमें हमें 5,000 दे दो और कर लो 600 वो कर लेंगे, 700 का वो कर लेंगे। आप ही बोल रहे कि 5,000 रुपए आप हाँ हमें दे दो, आप क्या कहते हैं सर? हमारा तो यही है भी जो इसका नुकसान है, इसकी बटवाई है, लेबर है, पॉलिश है, जो भी है, चलो एक कस्टमर है, हम नहीं चाहते हमारा कस्टमर नाराज हो, इसलिए भी चलो कुछ नुकसान हम उठा लें, कुछ ये उठा लें, फिर तो बात चल जाएगी। ये बार बार रोज, अब हमें नहीं पता ये किसको कह रही है, आपके कह रही है किसको कह रहे हैं, अब ये भी नहीं पता हमें, ये कह रहे हैं मैं भी बुलाती हूँ, मैंने बुला ले जिसको मर्जी तरह दी करे बुला, शहर में ये मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में माल की गारंटी है, माल हमारा गोल्ड ठीक ना हो हम जिम्मेवार हैं, टूटने की कोई गारंटी नहीं, आज भी कहते हैं टूटने की कोई गारंटी नहीं है। ये सराफा बाजार इकट्ठा कर लिया कि हम देखते हैं इनको ये करते क्या है, इन्होंने तो हमारी बेइज्जती कर दी है पूरा सारा, अब उनको निकालो ना बाहर, जोर से बाहर निकले हुए थे कि ये क्या हो गया है, ऐसे कैसे हंगामा हो सकता, अब निकले ना बाहर, अब क्यों नहीं निकल रहे वो बाहर, अब क्यों नहीं बाहर निकल रहे वो, अब क्यों चुपचाप अंदर बैठ गए हैं, एक बाहर से साइड वाला आया उनका तो कोई बीच में रोल नहीं था, उनका तो कोई मतलब नहीं था बोलने का, बोलते दुकानदार बोलते दुकानदार कम बोल रहे हैं और वो साइड वाला ज्यादा बोल रहा है कि पैर के नीचे आके टूटी है, और उसके बाद उसने सारा सराफा बाजार इकट्ठा कर लिया, और यहाँ लड़की के सिर के ऊपर चढ़ने को हो रहा था, इतना बोल रहा था वो दुकानदार, इतना बोल नहीं रहे जितना वो बोल रहा था, उसको बुलाया जाए एक बार, प्लीज एक बार बुलाया जाए उसको, मैं देखती हूँ कि वो करता क्या है, वो लेडीज को देख के ऐसे सराम गुंडा करती, यहाँ दुकान पे खड़ा होके मैं बाहर खड़ी और लड़की के सिर के ऊपर चढ़ा जा रहा था वो, उसको बुलाओ ना एक बार, मैं देखूँ तो सही वो है क्या हस्ती है, वो लेडीज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि वो यहाँ लड़की को चारों तरफ से घेर के इकट्ठा कर हो गए हैं, वो पूरा सराफा बाजार देखते हैं हम, इन्होंने क्या हंगामा कर दिया है, इतना गंदा व्यवहार इस सराफा बाजार का हैरान वाली बात है, वो जो दूसरे हैं वो हरजाना भरने को तैयार है कि आप मैडम इसके बदल आप दूसरी ले जाओ, और जो दुकानदार है वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं देने
वाले, कुछ भी देने वाले नहीं है। ऐसे थोड़ा ना होता है, दुकानदार बोले मैं कुछ नहीं देता और दूसरे कहे हम दे देते हैं। उनको पता था ना कि हमारा सारा सराफा बाजार का नुकसान होएगा इस चीज में, और उन्होंने पूरा सराफा बाजार इकट्ठा कर लिया कि आओ हम देखते हैं इनको, हम दो लेडीज को देख के और हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला काम कर दिया था। और किसी भी जेंट्स ने ये नहीं बोला कि ये लेडीज हैं और आप क्या कर रहे हो यहाँ, ऐसे कैसे इकट्ठा हो रहे हैं, उसके सिर के ऊपर कैसे चढ़ रहे हैं लेडीज के बताओ। और मैं बाहर खड़ी थी, मेरी बेटी सिर्फ यहाँ दुकान पर थी और उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, ऐसे कैसे उन्होंने एक बार नहीं बोला दुकानदारों ने कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं लड़की के साथ, दुकानदार हम है तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं बनता बोलने का, इन्होंने एक बार भी उनको नहीं बोला कुछ भी। नहीं, आप ऐसे थोड़ा ना होता है आपके मुंह में लगा नहीं, जैसे एक एक चीज कहना चाहेंगे, अभी आसपास के दुकानदार ही आए, काफी बदतमीजी करी उन्होंने, वो ठीक थी हमारे सामने कोई नहीं हुई, हमारे सामने हुई, हमारे सामने कोई, हमारे सामने हुई, आपके सामने हुई, हमारे सामने तो नहीं, मैं आपके सामने नहीं खड़ा, आप तो खड़े, आप तो हम बात डिस्कस कर रहे थे आपसे, अपने साथ आपके बीच में कोई आया, अपने बीच में तो कोई नहीं आया, आप कह रहे हैं जब मैं आपको बता रहा था बात, मैंने मतलब कोई बात मेरे मुँह से गलत निकली है क्या? जैसे बाकी बातों को छोड़ें, अभी क्या निष्कर्ष निकल सकता है, वो जो बोल रहे हैं, वो जो बताया वही होगा, वही होगा, जो भी आधा नुकसान इनको उठाना पड़ेगा आधा उठा लेंगे बस, इसके अलावा कोई वो नहीं, तो अपना ये अपनी इनकी मर्जी है, ये अपना ले जाए जो मर्जी करे, इनकी इच्छा है। ये तो बोल रहे हैं कि आधा आधा आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ तो 700 रुपए का ये घाटा खाएं और हम भी खा रहे हैं, 5000 हमें दे दो, 4000 तो ये पहले भी देने को तैयार थे। हाँ तो 5000 अभी आप बैठो सही, हम तो जब भी कह रहे थे आपको भी बैठो, लेकिन ऐसा है बेटे, ऐसा है, रोब नहीं चलता, रोब नहीं चलता, हम दुकानदार है, हमें नरमाई बरतनी पड़ती है, हमें रोब नरमाई बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं, अब क्या मैं तेरे से डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं डरा रही हूँ, अब देख लो सरेआम कैसे बोल रहे हो, अब बड़े आराम से बोल रहे हो, मैं मजबूर, हाँ तो मैं मजबूर की गई, तभी मैंने इनको बुलाया, नहीं तो मेरे को कोई बोलता है, ठीक है, उसके भी बेटे हैं, उसकी भी लड़की है, तो बोल लो आप, बोल लो आप लेडीज नहीं हो, बारह भी घर में लेडीज है, बंदा बोलता ही होता है, बोलता होता है, कौन गारंटी दे देगा 3 महीने के सामान की, हमें क्या पता है कहाँ से लेके आप तोड़ के, ये इतनी लेडीज खड़ी है, पूछना इनसे, आप पूछो ना इनसे, किसी की कान में 3 महीने की टूट जाएगी क्या, हमें क्या पता कहाँ से तोड़ के लिया है, लेडीज लेडीज होने का फायदा उठा रहे हैं यहाँ, पागल है, और हम पागल बैठे हैं यहाँ पे, दो बातें सुनेंगे बजाय के चीज को विवाद बनाने के, तो कस्टमर को एक बार आप कर ही दीजिए, वो यही बोल रहे हैं, गारंटी में टंका कटता है ना, गारंटी के हिसाब से पैसे दे रहे उसको, और क्या दे, और क्या दे उसको, हमारा नुकसान ही उसमें भी, हम नुकसान ऐसा है, हम नुकसान करके भी इनको कह रहे हैं 57000 रुपए दे दो, जा पूरा कर ले, 57000 रुपए, 5000 रुपए दे दो, पूरे दे दो, पूरे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, 57000 दे दो पूरे, हां आप के हैं, दे दो, चल ले गए, सब ना बैठने का जरा शौक ना, पैसे रख दे दो, पैसे रख दे दो, पैसे रख दे दो, पैसे रख दे दो, सुन ना, लेके गए सुन ना, लेके गए क्या, ये भी तो लेके गए होंगे, वो क्या कह रहा है, गुंडा गुंडा करके तुम लोग कर रहे हो, लेडीज होने का फायदा उठा रहे हो, यहाँ पे बड़े होने का फायदा तुम उठा रहे हो, तुम उठा रहे हो, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरेआम सरेआम अत्याचार, जो इतने हिम्मत वाले हो, पैसे देने आगे तो गरीब आगे, पैसे देने आगे तो गरीब भी बढ़ गए, 1500 रुपए के पीछे गरीब बन गए, 1000 आपके हमारे नाम के जो इन्होंने करना कर लो यार, जो करना कर लो, क्यों कह रहे हो, सारा देश इकट्ठा कर लो, मैं नहीं देता, नहीं देता, मैं नहीं देता, हाँ मैं दे दूंगा, जब दे दूंगा, हाँ ऐसे तुम्हारे रोम में मैं नहीं आता, हाँ अब कोई बात नहीं, जो जो आपने कार्रवाई करनी है कर लो, जो करूँ, सामान दिया हुआ है, पैसे सामान दे रखा है, देखो सामान दिया हुआ है, दे
जनाब दुल्हे इतने तटे में ऐसे थी बस गरीब आए चल गया गरीब हाँ गरीब आए थे जो मार्केट का रूल है उसके मुताबिक देंगे अगर इतना रोब है तो आज एक कस्टमर तो हम आपको मनाइज करते हैं आप नहीं करते क्यों बैठो
नहीं देता टंका करते नहीं देता अगर तुम समान घटिया आप बना रहे हो क्यों तड़ी समान घटिया आप चल रहे चल रहे लेके जा रहे चार महीने हो गए लेके जा रहे और नहीं लेके जा रहे तीन महीने हो गए बाबूजी लेके जा रहे सामान हमें क्या पता कैसे तोड़ रखा बताओ टूटने की कोई गारंटी दे देगा क्या पता क्या आदमी आकर के अगर कस्टमर के ठहर जो आपने ज्यादा नोटंकी ना करा आई चल गए आगे अब तो हम देखो हमारी 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 कोशिश ये होती है कि भी कस्टमर नाराज ना हो एक और ये भी कोशिश होती है अभी तक अगर 2-4-5 भी हमें नुकसान उठाना पड़े भाई दोबारा आएगा फिर कमाएंगे कोशिश हमारी ये है लेकिन ये कहना बार बार रोब दिखाना अभी मैं बुलाती हूँ इसमें ऐसा है ना कि वो बात ठीक है 5700 है 700 है 700 कर रहे हैं रोब किस बात का दिखा रही है बार बार अब इतना सारे भी दे देता अभी ऐसा ना अभी भी सारे भी नहीं उठवा देता मैं लेकिन ये मैं दादा की किस बात की नमस्कार देना कभी नहीं छोड़ सकते चलिए सुनिए आप ऐसा कीजिए ना 5700 की चीज आप वो उस चीज पे अगर अटके हुए तो आप 5000 रुपए दे दीजिए बात बात खत्म कर दीजिए सुनिए एक मिनट सुनिए सर क्या बात क्या है हमें देने से कोई पत्ती नहीं है हम नहीं चाहते हम हमारा कस्टमर खराब करे लेकिन जो इनका वे ऑफ टॉकिंग था ना इनको पता है कि लेडीज की सुनवाई ज्यादा है हमारी भी तो बाजार में इज्जत है मैं इसीलिए ये चीज बोल रहा हूँ ना कि बजाय के इतना हल्ला होने के अगर आप जल्दी से सर हम तो तैयार थे देने के लिए मैं चलो कोई बात नहीं आप ले जाओ कोई ऐसी बात नहीं है हमने इस बात हम ये नहीं चाहते कि कौन दुकानदार चाहता है कि अपना कस्टमर खराब करे ये तो मारिया हम तो तैयार थे देने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं थी हम 5-700 में कोई दिक्कत नहीं है हमें लेकिन बात बन एक बात करने का वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए ये थोड़ी ना अगर लेडीज है हम तो लेडीज की वजह से चुप बैठे हैं ये थोड़ी ना कोई अभी लेडीज का भाई लेडीज को पावर ज्यादा है तो भाई आम आदमी को परेशान करोगे वो देखिए वो तो कस्टमर है वो चाहे 100 रुपए की चीज भी हो हर एक की चीज होती है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है बात बैठ के भी हो सकती है ये थोड़ी ना आप किसी करके जाके शॉप के आगे जाके हंगामा कर दोगे ठीक है ऊपर से रोप भी दिखाओगे तुम चीज भी लोगे शायद आपके बीच आपस में बात हुई नहीं होगी शायद हंगामा तब हुआ होगा सर एक्चुअली आप सर आप एक बात बताइए सर टूटने की कौन गारंटी देता है सामान टूटने की गारंटी कोई नहीं देगा आपको तो अब आखिरी में क्या है इसके बारे में क्या सर ऐसा है बीच में सारे मारने के लिए किसके मार्ग में ये उठाया था किसको मारने के लिए उठाया था मार के तो देखे क्यों उठाया था कर ले जाएगी मेरे हराम के तेरे चल गए मेरे हराम के तेरे इतनी मत अगर छोकरी के सिर्फ की भी
भी, लाजमी कर, सारी दुनिया देख खलक भी, अगर ये बात करोगे लाजमी कर देंगे। अब कुछ हो रहा है आप आखिरी में कोई आपस जाएंगे लड़ने के? मुझे लग रहा है कि आप बात लड़के आप ऐसा करो ना, आप यहीं पे रख दो पैसे, उनके हाथ में पकड़ो, अभी निकल जाएंगे, अभी चले जाएंगे, मैं क्या दूंगा चुपचाप। मतलब हम तो मतलब गलत साबित हो गए? गलत नहीं, इसमें गलत की बात नहीं है, इसमें गलत की बात नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि चलो विवाद ज्यादा खड़ा, कितना विवाद खड़ा हुआ है बजाय के। सुनो बात, इनके टांग का काट के हमने इनको 4200 रुपए दे रहे थे, 4400 यही बोल रहे हैं कि अब उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपका क्या कहना है? सारा क्या मतलब था, जब अगले जो है 4400, वही तो मैं कह रहा था भाई 4400 रुपए बनते हैं हमारे जो ट्रंक का काट, क्योंकि हर चीज, क्योंकि जो हर चीज होती है वो गलती पे नहीं होती है, वो इसलिए भी होती है कि आप ये कह रहे हैं ना, हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार से बात खत्म, लेकिन इतना हंगामा क्या मतलब था करने का, कोई छुट्टी नहीं बनता जी। नहीं, वो बोल रहे थे 5000 रुपए दे दो, हम चले जाएंगे, 5000 रुपए दे दो बाबूजी। एक बात, एक मिनट, मार्केट में विवाद इन्होंने करने का मुतुकिन था 600 रुपए के पीछे। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, समझदारी है कोई, यही चीज बोल रहा हूँ कि विवाद तो बेवजह का यूं ही खड़ा हो गया, आप 5000 रुपए दे दो, वो यही बोल रहे हैं इतनी देर। सुनो, मैं समझ गया, आपने 4400 रुपए बोला होगा ना, आपने 4400 रुपए बोला होगा, बोलने की जरूरत थी चलो आप विवाद को ज्यादा ना बढ़ाएंगे, आपको 5000 रुपए मिल गए। नहीं सुनो, मैंने बोला मैं ये थे उस दिन, मैं ये तो थे ही नहीं, आपने तो इन्होंने भी आके सुनी नहीं है कि हाँ मेरे सामने लेके गए। सुनो आंटी जी, सुनो चलो छोड़ दो, सुनो 5000 रुपए दे देते हैं जैसे बोला है, 5000 रुपए ये दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है। तो फिलहाल इस जिस तरीके से कोई बात नहीं, आप पकड़ा दो, नहीं तो फिर से लड़ाई हो जाएगी, पकड़ा दो आप पहले, कायदे की बात करते, रूल रेगुलेशन की बात करते तो हम आपको हो सकता था कि पूरे भी दे देते, लेकिन आप तो पहले ही मन बना के आए हुए थे, जो आपने न्यूज वाले बुलाए हैं, आप पहले ही हंगामा करने के मूड में थे। बोला आप जैसी इतनी बड़ी लेडीज उम्र का शो भर देती है माता जी, वो बिल्कुल सुनो बात, टंका तो कटेगा पूरे हिंदुस्तान में, आप कहीं से सुनना ले लो, कटेगा के बढ़ते ही 4400 रुपए है, और वो आपको हम दे रहे आप दे दो जी, कोई बात नहीं, चलो आपको 5000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, विवाद को खत्म कीजिए, कोई बात नहीं, दे दो जी। तो फिलहाल जो है यहाँ पे कोई बात नहीं, आप झगड़ा मत कीजिए। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन फिलहाल 5000 रुपए दुकानदार उन्हें दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है फिलहाल हमारी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से और विवाद ना खड़ा हो, लेकिन आपसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और फिर से जुड़ेंगे आप 24 के पर, तब तक ले जाएंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।